नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमल ज्योतिष सर किस तरह कृष्ण सर आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के बारे में बताने चाहेंगे। आज का दिन है, आज है 22 जून और दिन है शुक्रवार का और आज के दिन बहुत ही शुभ दिन है, यानी कि आज है गंगा दशहरा। और आज गंगा दशहरा पे क्या करना चाहिए खास उपाय बताएंगे, मगर उससे पहले आज के शुभ समय के बारे में बता दें। आज का जो हमारा दान का समय है प्रातःकालीन रहेगा 7 बजे से लेके 7:45 तक का। दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं निकालिए। चलिए राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहेगा, हमारा भाग्य का पासा आपके लिए क्या कहता है, शुरुआत करते हैं भाग्य के पासे का। नंबर सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का नंबर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर काउंट करते हैं तो 6 नंबर। ये बताता है कि आज आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय रहने वाला है। आज जो है अपने जीवन साथी को पूरी तरीके से समय देंगे और साथ ही धन का भी कहीं से कोई आगमन हो सकता है। हम बात करते हैं अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, 9 नंबर। वृषभ राशि वालों 9 नंबर, ये बताता है कि आज जो है अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में या कोई अपना घर का बड़ा या भाई बहन हो या फिर आपके ऑफिस में भी कोई हो, ऐसा कोई हो जो आपसे उम्र में बड़ा, उसके साथ में आपकी हो सकती है आज वाद विवाद हो सकता है। बात आपकी जो है हो सकता है बातों में तालमेल ना बैठे जिसकी वजह से झगड़ा हो जाए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, 8 नंबर। मिथुन राशि वालों 8 नंबर आपके लिए बताता है कि आज जो है काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है, अचानक बर्डन आएगा जिसकी वजह से क्या है आज काम में पूरी तरीके से बिजी रहने वाले हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे व्यापार का, मगर आज आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला समय है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, 9 नंबर। कर्क राशि वालों आपके लिए बता दें आज हो सकता है कहीं प्रॉपर्टी वगैरह की खरीदारी के लिए कहीं कोई जाना पड़ जाए या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो आज जो है आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम भी है। इसके साथ ही यहाँ बता दें फर्नीचर वगैरह घर का कुछ सामान भी खरीद सकते हैं, खरीदारी का आज का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम है। हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, 3 नंबर। सिंह राशि वालों आज पूरी तरीके से आज आपका जो भाग्य है पूरी तरीके से आपको सहयोग देगा और साथ ही आज आपका भाग्य आज कहीं कह सकते हैं कि किस्मत और भाग्य दोनों ही बड़ा अच्छा तालमेल बना के रखेंगे। कुछ आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, कुछ आपके जो लोग हैं जो आपसे रूठे हुए थे वो रूठे हुए लोग भी आज आपके पास आकर अपनी मित्रता कबूल करेंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, 9 नंबर। कन्या राशि वालों 9 नंबर आपके लिए बताता है कि आज हो सकता है अचानक खर्च का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि अचानक कुछ मेहमान आपके घर में आ जाए जिसकी वजह से अनचाहे मेहमान आ सकते हैं जिसकी वजह से आज आपका बजट जो है हिल सकता है। हम बात करें तुला राशि। तुला राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, 7 नंबर। तुला राशि वालों 7 नंबर आपके लिए बताता है कि आज आपके लिए बता दें कि ऑफिस में आज आपके कुछ काम में बाधाएं आ सकती हैं, कोई रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से आज परेशान हो सकते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे घर में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर, कुछ रुकावटों की वजह से हो सकता है आज पूरी तरीके से आपका मन उदास हो जाए, आप परेशान हो। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, 7 नंबर आपके लिए बताता है। आपके लिए बता दें कि आज अचानक हो सकता है आपके जो शत्रु हैं वो अपना षड्यंत्र रचने के लिए आपको परेशान करने के लिए कोई योजना बनाए, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु। धनु राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, काउंट करते हैं आपका 9 नंबर। धनु राशि वालों 9 नंबर ये आपके लिए बताता है स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, साथ ही यहाँ पर अचानक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप कोई भी बात दिल में ना लगाएं, कि कोई हो सकता है किसी से ऐसी बातचीत हो जिसकी वजह से दिल पे बात लग जाए, परेशान हो जाए, तो मानसिक रूप से आप परेशानी झेल सकते हैं, ऐसा ना करें स्वास्थ्य खराब हो जाए। हम बात करते हैं अगली राशि मकर। मकर राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर कहता है नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, 4 नंबर। मकर राशि वालों 4 नंबर ये कहता है अचानक कोई काम आपका बन सकता है, साथ ही आपके लिए एक चीज़ बता दें काम तो बनेगा, इसके साथ ही यहाँ पर कोई रुका हुआ धन, किसी के पास कोई रुका हुआ कार्य है या कोई काम रुका हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है अचानक हो सकती है, ये समय नहीं दिन में या रात में या शाम को कब, मगर अचानक आपके साथ हो सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि
कुंभ, कुंभ राशि वालों भाग्य के पास का नंबर है नंबर एक, नंबर तीन, नंबर एक, पांच नंबर। कुंभ राशि वालों आपके लिए बता दें, आज जो है आपके साथ में आपके दोस्त हैं या आपके घर परिवार के लोग हैं या व्यापार वर्ग के लोग जो भी है, आज आपके बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी योजनाओं को भी आज सफल बनाने का बहुत अच्छा उत्तम दिन है। तो आज का दिन आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन। मीन राशि वालों भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर तीन, नंबर एक, नंबर एक, पांच नंबर। मीन राशि वालों आज वाणी का बहुत अच्छा जादू आपका चलेगा। हो सकता है प्रेमी युगल और दंपति जीवन के जो लोग हैं वो अपनी बातों से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, यानी प्रेम पूर्वक जीवन आज बीतेगा। इसके साथ ही यहाँ पर बहनों का सहयोग, किसी महिला का सहयोग आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला। ये था वो खास भाई दिन आपके लिए जो हमारा रमल बता रहा, जो हमारा पासा बता रहा, भाग्य का पासा। मगर अब खास उपाय की बात कर लेते हैं। गंगा दशहरा है जेठ महीने में, ये गंगा दशहरा जो आज के दिन मनाया जा रहा है उसके लिए आज मैं बताना चाह रहे हैं कि आज आपको क्या करना है। करना यह है, मिट्टी का एक पात्र लाइएगा, उसमें जल भरिएगा और उसमें मीठा डाल दीजिएगा। मीठा डालने के बाद अपने घर परिवार के सभी लोगों का हाथ इसमें स्पर्श कराना है, साथ ही कुछ दक्षिणा रखना है और साथ ही एक काम करिएगा, गंगा जली की छोटी सी एक बॉटल ले लीजिएगा, वो भी साथ में ले जाके। ये मटका जो आपने लिया जिसमें चीनी डाली, इसको जल प्याऊ की जगह कहीं मंदिर में रख दीजिएगा। साथ ही जो गंगा जल है वो जाकर गंगाधारी यानी कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलिएगा। साथ ही एक चीज़ और है, क्योंकि जब आप गंगा जल चढ़ाते ना तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृ प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो आप प्रसन्न, तो इसीलिए पितरों का नाम जरूर ध्यान में रखें और भगवान भोलेनाथ गंगाधर पे आपने गंगा जल चढ़ा देना है। ये उपाय कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कल एक नए विषय के साथ मैंने उपाय के साथ में करते हैं मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।